हिंद ऑफिसर्स, लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ वीडियो की ट्रिक्स प्रोवाइड करवाई थी। आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ साथ आपको कुछ फिजिक्स की वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है तो उससे आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 11 12th का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स को कवर किया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे दो तीन बार जो वीडियो है उसे गो थ्रू करना है, और जिससे आपके पास क्या हो जाए, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, ना ही आपके पास यहाँ पे कोई हार्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। बस जो भी आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो लेके आऊँगी, उससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो जितना मैं आपको बताती हूँ आप उसको फॉलो करते रहिएगा, और यहाँ पे आपके पास जितने भी वीडियो हमने आज तक प्रोवाइड की है आप उनको बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो सिलेबस आता है उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो आप देखिए, फिजिक्स आपके पास जो स्टार्टिंग में यहाँ पे फिजिक्स को बनाया गया था वो बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया गया था, मेजरमेंट के लिए ही बनाया गया था। क्योंकि आप कोई भी अगर बिजनेस करते हैं या कोई भी अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं उसके लिए आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं वो आपके पास क्या हो जाए, अच्छे से आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। तो उसके लिए मतलब आपके पास जो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स आप सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली कहाँ से आया, मेजरमेंट से आया है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, फिजिक्स में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, अपने सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं तो हम उसे क्या यहाँ पे फिजिक्स में इंक्लूड कर देते हैं। और किसी भी चीज़ को अगर आप मेजर कर सकते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी के, मैंने क्या बोला, आपके पास कोई भी ऐसा नेचुरल फिनोमेना जिसको आप मेज़र कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक कह सकते हो फॉर्मेट होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इसमें कोई नंबर लिखा होगा, ठीक है, इसको शो करने के लिए एक तो यहाँ पे नंबर लिखा होगा जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। और दूसरा इसके साथ क्या लिखी होती है, आपकी यूनिट लिखी होती है। अब देखिए, जो आपका नंबर होता है फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे लिख लिया 2 meter या 5 meter per second square, तो ये जो 2, 5 ये क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और जो इसके साथ ये लिखा है meter per second square, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ये हमें यूनिट से हमें ये पता चलता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास ये क्या शो करता है कि हम जो फिजिकल क्वांटिटी हमने मेज़र करी है आपके पास वो कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो फिजिकल क्वांटिटी उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। आपके पास क्या होता है, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, दूसरी कौन सी क्वांटिटी आती है, डेराइव क्वांटिटी आती है। देखिए, फंडामेंटल का मतलब ये हो गया ऐसी क्वांटिटी जिस जो मतलब अपने आप में क्या है, बेस है। इनका कोई फॉर्मूला, सेट फार्मूला नहीं होता है, जैसे आप स्पीड का फार्मूला पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन का फार्मूला पढ़ते हैं, ऐसे ही जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है इनका अपने आप में कोई सेट फार्मूला नहीं है। तो अगर इनका कोई सेट फार्मूला नहीं है तो इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आपके पास मेजरमेंट के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब उसी चीज़ को यहाँ पे एक यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या किया, हर इंटरनेशनली इस चीज़ को क्या किया, इसको एक यूनिकनेस देने के लिए हमने क्या किया है कि इन सारी चीज़ों को एक इनकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है। जैसे आपके पास केजी की डेफिनेशन दे रखी है, 1 kilogram हम किसको कंसिडर करेंगे, 1 meter किसको कंसिडर करेंगे, या 1 second की वैल्यू क्या होती है, और ये इंटरनेशनली हर कंट्री क्या करता है, इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो आपके पास जो 7 फंडामेंटल आपके पास क्वांटिटी है उनकी बस डेफिनेशन है, और आपके पास जो डेराइव क्वांटिटी होती है या तो फंडामेंटल से मिलके बनी होती है या आपस में या आप क्या होता है, इनके कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं फॉर्मूलों से मिला के हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है, ये 7 है। कौन कौन सी है ये आपने पढ़ी भी होंगी, ठीक है। ये हो आपके पास मास, टाइम, लेंथ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट। क्या बोला मैंने, फंडामेंटल में फिर से आपको बता देती हूँ। जैसे टाइम की यूनिट होती है आपके पास क्या, सेकंड। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, ठीक है। लेंथ की यूनिट हम क्या लेते हैं, मीटर।
टाइम आपके पास पता है, आपको टाइम क्या होता है आपके पास, ठीक है, दो इंसिडेंट के बीच का जो इंटरवल होता है उसे हम टाइम कह देते हैं। मास क्या होता है, इसको किसी वेइंग के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं। लेंथ होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, तो उसे हम लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे आपके पास जो लाइट होती है, चाहे वो बल्ब की लाइट हो या फिर आपके सन की लाइट हो, किसी भी सिस्टम से जो लाइट आपके पास प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास कितना इंटेंस है, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। अब देखिए आप इस चीज़ को, ये भी यहाँ पे इसकी यूनिट होती है कैंडेला। अब इसको याद करने का छोटा सा तरीका मैं बता देती हूँ। देखिए कैंडल होती है, कैंडल से भी लाइट निकलती है, तो आप वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है आपके पास, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादातर आपका केमिस्ट्री में यूज होता है उसके लिए हम यूज करते हैं मोल। और करंट की यूनिट क्या होती है आपके पास, एम्पियर। इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। 7 आपको ध्यान रखनी है, कभी भी पूछी जा सकती है कि फॉलोइंग में से कौन सी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बनेंगे। दूसरा आपके पास क्या होता है, जितनी भी डेराइव क्वांटिटी होती है, अब हम उनके यूनिट क्या, इन्हीं से मिलके बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज थी पहले डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट को फॉलो करती थी, कहीं पे CGS यूज होता था, कहीं पे MKS, कहीं पे आपके फुट पाउंड सेकंड का यूज होता था। तो इसको हमने क्या किया है, अब एक स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट हम जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसके जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वही सारी कंट्री क्या करती है, फॉलो करती है। और उसमें जो लेंथ की यूनिट होती है वो मीटर, जो मास की यूनिट होती है वो KG, और टाइम की यूनिट हम क्या लेते हैं, सेकेंड। और जितनी भी ये ओवरऑल मैंने यहाँ पे 7 यूनिट बनाई है वो सारे आपके SI के अकॉर्डिंग ही हम लेते हैं, ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे एक टर्म और यूज किया जाता है, डायमेंशन। देखिए डायमेंशन का मतलब आप कैसे यूज करते हो डायमेंशन को, इसको समझना थोड़ा। डायमेंशन का मतलब हम ज़्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, डेराइव क्वांटिटी के लिए। डायमेंशन से हमें ये पता चलता है कि किसी भी डेराइव क्वांटिटी में कितनी फिजिकल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे आप ये मान के चलिए आपके पास कहीं पर लिखा होता है एरिया, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ का मतलब होता है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी क्या होती है, मीटर। अब देखिए एरिया यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है, तो एरिया की आपके पास यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डायमेंशन के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मास अगर कहीं पे लिखा होगा तो उसके लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है m, ठीक है, और उसके हम मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लेते हैं, m लिख लेते हैं। जैसे आपके पास लेंथ आता है तो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या आएगा, l, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे t। ऐसी एम्पियर के लिए a आता है आपके पास, केल्विन के लिए आपके पास कहीं पे थीटा रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे k यूज कर लेते हैं। तो आपके पास क्या होता है, ये बेसिक होती है आपके पास m l t। अब अगर मुझे ये देखना है कि इस एरिया का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसमें आपके पास कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मास तो यूज नहीं हो रहा है ना ही टाइम यूज हो रहा है, तो क्या यूज हो रहा है, ओनली लेंथ। और ये लेंथ कितनी टाइम आई है, देखिए एम मास आपके पास ये लेंथ के लिए यूज किया, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एल इंटू एल। तो लेंथ आपके पास कितने टाइम यूज हो गई, 2 times यूज हो गई, यानी एरिया को जो हमारे पास डेराइव क्वांटिटी है उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी इंक्लूडेड है, जो इसकी पावर हो जाती है, ठीक है। अच्छा इसका मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपके पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। अब सिंपल अभी ये ध्यान दीजिए, अब स्पीड आपने यहाँ पे ले ली, हम ये देखना चाहते हैं इस स्पीड में कितनी या इसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ से होता है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगी, एल से, और टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी। जब ये आपका न्यूमरेटर में ले जा लोगे तो इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन, यानी अगर आपको स्पीड को देखना है तो स्पीड में टोटल कितनी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही है, दो, कौन कौन सी, एक तो लेंथ यूज हो रही है, दूसरी टाइम, ठीक है। और टाइम का आपके पास जो पावर आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। ये बातें सबको समझ में आ गई, जो आपके पास मैंने क्या बताया डायमेंशन होती है वो हमें क्या शो करती है कि आपके पास वहाँ पे कोई भी क्वांटिटी है उसमें कितनी फंडामेंटल हमने क्वांटिटी यूज़ करी है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन पूछे तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अब फिर जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, जैसे कोई फॉर्मूला आपने लिख लिया, उस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, एम एल और टी की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है, और आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा, डायमेंशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको फोर्स पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपके पास हम क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। जैसे जैसे आपके पास जो इंपॉर्टेंट बनता है मैं वो उसी के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होता है, यहाँ पे एरर आता है। अब देखिए एरर का मतलब क्या होता है,
कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई मैंने बताया ना आपको कि जो फिजिक्स होती है वो ज़्यादातर किसके लिए जो यूज होती है, मेजरमेंट के लिए। अब आप खुद सोच के देखिए, आपके पास जो मेजरमेंट हमने किया है वो कितना हमने यहाँ पे एक्यूरेटली किया है, उस एरर अगर वो आपके पास टू द पॉइंट आपके मेजरमेंट नहीं हो पाया तो हम उसे क्या मानते हैं, एरर मानते हैं। अब सबसे पहले बात याद ये, टू द पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ठीक है। टू द पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे ट्रू वैल्यू, ठीक है। टू द पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ट्रू वैल्यू। अब देखिए हमें ट्रू वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अब इसको सोचिए, जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई सा भी आपने, जैसे आपने ओम्स लॉ को वी इक्वल्स आई इन टू आर पढ़ाई, या आप कोई भी लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार, यानी आपके पास उसको 10 to 20 टाइम्स रिपीट करते हैं, फिर उन वैल्यूज़ को हम जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू या हमने जो भी प्रैक्टिकल किया उसका आउटपुट जो आता है हम उन सबको नोट डाउन करते हैं, फिर उसका एवरेज लेते हैं। एवरेज लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारे लिए क्या बन जाती है, ट्रू वैल्यू बन जाती है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, वो ट्रू वैल्यू हमारे लिए क्या बन गई, एक तरीके से स्टैंडर्ड बन गई। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब हमने वही एक्सपेरिमेंट किया तो हम क्या देखेंगे, उस टाइम पे वो वैल्यू हो सकता है ट्रू वैल्यू के बराबर आए या उससे कम या ज़्यादा आए। तो उस टाइम पे जो हम मेज़रमेंट करते हैं एट द प्रेजेंट टाइम, या जो जिस टाइम पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू। तो एरर में आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो आपको याद रखनी है ट्रू वैल्यू, और एक आपको क्या याद रखनी है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एक आपको याद रखनी है ट्रू वैल्यू, एक आपको याद रखनी है मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू आपको एवरेज निकाल करके मिलती है। अब आपके पास क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू जो हम उसी टाइम पे एट प्रेजेंट क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो हमारा सिस्टम क्या कर रहा होता है, मेजर कर रहा होता है। अब इन दोनों वैल्यू में जो भी डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एरर कहते हैं, ठीक है। और उस एरर का नाम याद रखना, उसे हम एरर ना कह के क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और ये वैल्यू आपके पास कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हम इसको में मॉड का यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। दूसरा आपके पास क्या आता है यहाँ पे, रिलेटिव एरर। अब देखिए रिलेटिव एरर को हम कैसे यहाँ पे मेज़र करते हैं। रिलेटिव एरर का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास कोई भी सिस्टम है उसने आपके पास क्या दे दिया, कोई भी एरर आपके पास आ गई। मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपके पास कोई यहाँ पे हमने स्केल लिया, ठीक है, मीटर स्केल लिया, उसकी ट्रू वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, लेकिन जब मैंने मेज़रमेंट किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 20.002, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए अगर मैं इसमें एरर देखूंगी तो कितने का एरर आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपके पास 0.002 सेंटीमीटर का, और यही मेरी एब्सोल्यूट एरर हो गई। अब देखिए रिलेटिव का हमेशा मतलब होता है किसी भी चीज़ से कंपेयर करना, ये बात हमेशा याद रखिए। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपेरिजन। हम क्या करते हैं, जब एब्सोल्यूट एरर का, जो हमारी एब्सोल्यूट एरर आई उसका अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी उसको अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो कौन सी एरर मिल जाती है आपकी, ट्रू एरर, यहाँ पे रिलेटिव एरर मिल जाती है। तो रिलेटिव एरर क्या होती है, जब हम अपने एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके जो वैल्यू देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और इसी को अगर हम 100 से इंटू कर दें तो ये आपका परसेंटेज एरर बन जाएगी, यानी रिलेटिव एरर आपके पास परसेंटेज एरर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो रिलेटिव एरर को आप सीधे सीधे किससे इंटू कर दीजिए, 100 से। इसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी, जब मैं सारे न्यूमेरिकल जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं उसकी एक सेपरेट से वीडियो आएगी आपके पास, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू आपकी एब्सोल्यूट एरर होती है, उस एब्सोल्यूट एरर को जब हम ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। और परसेंटेज एरर क्या हो जाती है, जब हमारे रिलेटिव एरर को हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे आपके पास जो जहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स का, वो होता है आपका मोशन। काइनेमेटिक्स का मतलब ही होता है, या मैकेनिक्स आप एक तरीके से कह सकते हो। उसमें मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सारे आपके जितने भी मोशन होते हैं, मशीन किस तरीके से फंक्शन करती है, फोर्स वगैरह, ये सारा आपका किस में आता है, ये आपका मैकेनिक्स में आता है। तो यहाँ पे मोशन का मतलब क्या होता है पहले हम उसे समझेंगे, ठीक है। और ये कितने टाइप का होता है उसे हमें क्या करना है, अलग अलग समझना है यहाँ पे। तो देखिए मोशन का मतलब क्या होता है, देखिए आपको अगर मोशन को समझना है तो इसमें हमें क्या लेना होता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। रेफरेंस पॉइंट इन द सेंस आपके पास यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास दो व्हीकल चल रही है, दो कार चल रही हैं, अगर आप उनके मोशन को यहाँ पे स्टडी करोगे, जैसे आपके पास ये कार नंबर 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये कार नंबर 2 हो गई, अगर आप यहाँ पे इन दोनों के मोशन को देखोगे और यहाँ पे आपके पास कोई थर्ड पर्सन खड़ा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये आपके पास 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये भी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है,
अब देखिए, ये जो गाड़ी का ड्राइवर है, अगर ये बी को ऑब्जर्व करेगा तो इसको क्या लगेगा, ये रेस्ट में नजर आएगा, बात समझ के। लेकिन उसी गाड़ी को, अगर ये बी कार को, ये पर्सन जो यहाँ पे रेस्ट के फॉर्म में खड़ा है, अगर वो इसे देखेगा तो उसे क्या, ये जो गाड़ी है वो क्या किस स्पीड से चलते हुए नज़र आएगी, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नज़र आएगी। तो अगर ए के कम रिस्पेक्ट में हमने यही चीज़ ऑब्जर्व करी तो वो रेस्ट में नज़र आ गया, और इसके रिस्पेक्ट में हमने वही चीज़ ऑब्जर्व करी तो वो मोशन में नज़र आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी हम मोशन की स्टडी करते हैं तो डिपेंड करता है आपके पास, आप किस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी स्टडी को कर रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे अर्थ होती है, अर्थ हमें पता है अपनी एक्सिस पे घूम रही है, लेकिन हमें वो कभी भी रोटेशन में फील नहीं होती है। अदरवाइज हमारे पास क्या होता है कि हमारे पैरों के नीचे जो अर्थ है वो हमें आगे मूव करते हुए नज़र आती है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जिस स्पीड से हमारी अर्थ घूम रही है, हम भी क्या कर रहे हैं, अर्थ के साथ साथ उसी स्पीड से घूम रहे हैं, इसीलिए हमें अर्थ क्या नज़र आती है, यहाँ पर रेस्ट में नज़र आती है। बात सबको समझ में आ गई। और जो आपके मून हो गया, सन हो गया, वो हमें मोशन में नज़र आते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उनकी स्पीड क्या है कम, जो आपके पास यहाँ पे हमारे जो, जैसे आप मून को कंपेयर करोगे तो मून हमारे अर्थ का क्या लगा रहा है, राउंड लगा रहा है, तो उसकी स्पीड अर्थ की स्पीड से क्या है आपके पास यहाँ पे अलग है। लेकिन जो सन है आपके पास, सन तो आपका बेसिकली रेस्ट में है, लेकिन अगर आप यहाँ अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी पोजिशन को देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा, वो मोशन में नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल किसका होता है, आपका रेफरेंस पॉइंट का होता है, ठीक है, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। अब देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आपके पास, हमने रेफरेंस पॉइंट की बात करी है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर थोड़ा डेप्थ में हमें समझाऊँ आपको, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि जहाँ जिस ऑब्जेक्ट से आप कंपैरिजन कर रहे हो, या तो वो रेस्ट में होना चाहिए या तो उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए। जैसे आपके पास अर्थ है, ऐसा नहीं होता कि आज मंडे है तो अर्थ की स्पीड ज़्यादा हो गई, ट्यूसडे है तो इसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी। ये क्या करता है, थ्रू आउट द ईयर आपके पास सेम स्पीड से क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसको मानेंगे, या तो जिस जो आपके पास रेस्ट में होगा, या तो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका वो होता है जो आपके साथ क्या होता है, टाइम के साथ साथ अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ज़्यादातर हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। और हर चीज़ को हम किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कंपेयर करते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में, या फिर कहीं पर हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में भी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोशन क्या होता है। देखिए, आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, दूसरा हम पढ़ते हैं वो मोशन के बारे में। अब देखिए, मोशन क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने क्या कहा, इसी वाले एग्जांपल को आप ध्यान रखिए, मैंने कहा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके ए के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में है, लेकिन इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। तो मोशन हम किसको मानते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका क्या करता है, अपनी पोजिशन चेंज करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन में चेंज आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसकी क्या हो जाती है, उसे हम क्या मानते हैं, वो मोशन में है, अदरवाइज उसे हम क्या मानेंगे, रेस्ट में मानेंगे, ठीक है। मोशन सबको समझ में आ गया, क्या कहा मैंने, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी आपके पास रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजिशन को चेंज करता है तो वो मोशन माना जाएगा, अदरवाइज उसे हम रेस्ट के कंडीशन में मानेंगे, ठीक है। अब यही मोशन को हमें पढ़ना होता है, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। अच्छा, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, वन डायमेंशन और टू डायमेंशन क्या होता है। देखिए, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की क्या होती है, एक्सिस होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास तीन एक्सिस हम लेके चलते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। वन डायमेंशन का मतलब है या तो केवल आप एक्स में चल रहे हो, या तो फिर आप कहाँ चल रहे हो, वाई में चल रहे हो, या तो फिर आप कहाँ चल रहे हो, जेड में चल रहे हो, ठीक है। इसको मैं अगर और अच्छे समझाना चाहूँ, जैसे कोई रोड है, ठीक है, अब इस तरीके से रोड बनी होती है। अगर हम देखिए कोई, अगर हम यहाँ पे केवल इस रोड में इसकी लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग चलें, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वन डायमेंशन आपके पास क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कभी आप इधर इस पोर्शन में चल रहे हैं, कभी इस पोर्शन में चल रहे हैं, इस तरीके से आपका मोशन नहीं होना चाहिए, फिर वो आपका वन डायमेंशन नहीं कंसिडर किया जाएगा, फिर वो आपका टू डायमेंशन माना जाएगा, ठीक है। तो वन डायमेंशन का मतलब हो गया या तो केवल आप एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग चल रहे हो, यानी आप एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर कोई विड्थ नहीं होनी चाहिए, बस
जैसा आप उस लाइन पे, ऐसा नहीं है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आप इसको थोड़ा समझिए, जैसा आप इस कर्व लाइन पे चल रहे हो, लेकिन इसके पास आपने कोई विड्थ नहीं है, आप क्या कर रहे हो, केवल यहाँ पे एक ही एक्सिस में मोशन कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे, मैंने क्या बताया, देखिए अगर आप इस रोड के रिस्पेक्ट में देखोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे विड्थ भी कवर कर रहे हो और इसकी लेंथ भी कवर कर रहे हो, तो ये आपका वन डायमेंशन नहीं माना जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, जब आप रोड के रिस्पेक्ट में या तो आप केवल इसी लाइन पर चलें, या तो फिर आप क्या करें, केवल हॉरिजॉन्टली आप एक ही डायरेक्शन में चले, तो उसे हम क्या मानेंगे, वन डायमेंशन मोशन। तो आपको सिंपली ये समझना है वन डायमेंशन में क्या आता है, या तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में चले, या तो वाई के रिस्पेक्ट में, या तो ओनली जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है एक्स एंड वाई का, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वन डायमेंशन मोशन। अब देखिए मोशन को अगर आपको समझना है, तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिखे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप मोशन को समझना चाहते हैं, ये पैरामीटर आपको समझ में आ गए, तो आपको मोशन की स्टडी क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें डिस्टेंस, नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, मेरे को आपको इसमें ये एक बात और समझानी है, इसमें क्या होता है, आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी हमने फंडामेंटल और डेराइव के टर्म में करी थी, इसी तरीके से जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको अगेन हम यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक आता है आपका स्केलर और एक आता है आपके पास क्या, वेक्टर। तो ध्यान से सुनिए, अगर स्केलर कोई क्वांटिटी दे रखी है, यानी उसमें कोई भी डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है, तो उसमें किसका रोल प्ले हो जाता है, वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्शन का भी रोल प्ले हो जाता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, जैसे अगर मैं कहूँ कोई कार आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो वो स्केलर वैल्यू होगी, लेकिन अगर मैंने कहा वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन नॉर्थ डायरेक्शन चल रही है, तो मेरे पास वही चीज़ आपका किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास क्या होता है, जो भी आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे, उनको स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या ध्यान रखोगे कि जो भी आपके पास क्या होते हैं, ये डायरेक्शन का सेंस होता है, ऐसा नहीं केवल आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये ही याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप किसी भी क्वांटिटी के साथ एंगल ऐड कर देते हैं, तो वो एंगल भी आपको क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने, अगर आप किसी भी क्वांटिटी में एंगल को ऐड कर देते हो, तो वो एंगल भी आपको क्या शो करता है, यहाँ पे डायरेक्शन आपकी बताता है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपके पास डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आप किसी भी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे, तो आप क्या करेंगे, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पास जो भी पोजीशन हमने चेंज करी, वहाँ पे आप ना कुछ पाथ को कवर करोगे, उसी टोटल पाथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहा मैंने, जो भी आप वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यहाँ पे जो भी डिस्टेंस कवर करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ए से बी गए, ठीक है, या आपके पास ए पॉइंट या बी पॉइंट, तो आप यहाँ जाने के लिए कोई भी रास्ता आपने अपनाया, उस टोटल हमने जो पाथ है, उस टोटल पाथ की लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ये अपने आप में कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और इसकी यूनिट क्या होती है, यहाँ पे मीटर। बात सबको समझ में आ गई। सेम ऐसे ही आपके पास क्या होता है, इसी को अगर मैं डायरेक्शन के साथ ऐड कर दूं, तो ये बन जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। ये आपके पास क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और ये अपने आप में कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी यूनिट क्या मानी जाती है, मीटर। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, आप ए से बी गए, आपने 4 मीटर कवर किया, फिर आपने लेफ्ट टर्न लिया, फिर आप 3 मीटर कवर कर गए, सी पॉइंट में पहुंच गए। अगर मैं आपसे पूछूं आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल में इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, सिंपली आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक सिंपल मेथड मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या करिए, जहाँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और जहाँ आपका एंड पॉइंट है, उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, वही आपका क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप इस केस में डिस्प्लेसमेंट ए सी के बराबर होगा, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, या आपका आ जाएगा क्या, 5 मीटर। इसका एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज दैट आप किसी सर्कल में मोशन कर रहे हो, आपने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और आप अगेन ए पॉइंट पर आ गए, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई हम इस पेरीमीटर के करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं, सर्कमफेरेंस के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो हम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ पे, 2πr, लेकिन मैं ए पे थी और ए पे ही आ गई, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 0। यानी डिस्प्लेसमेंट आपकी पोजिशन बताता है कि आप स्टार्टिंग में कहाँ पे थे और एंड पे कहाँ पे हो, और डिस्टेंस आपको क्या बताता है कि आपने टोटल कितना पाथ यहाँ पे कवर किया है। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ यहाँ पे, सपोज दैट आपने यहाँ ए पॉइंट से
यहाँ पे ए पॉइंट है आपके पास, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट यहाँ पे जाके आप रुक गए। अगर मैं आपसे पूछूँ आपने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस के लिए, ये हो जाएगा आपका पाई आर। लेकिन अगर मैं पूछूँ डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आप देखिए आप फाइनली कहाँ पे थे, बी पॉइंट पे, और स्टार्टिंग में कहाँ पे हो, ए पॉइंट पे। आप दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, इसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, 2r के बराबर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कहा मैं आपको अलग से जो न्यूमेरिकल की वीडियो बनाऊंगी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। बस ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके पास स्पीड। देखिए स्पीड बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं कि हम पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल्स होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे समझिए, जैसे हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमें सपोज है किसी शॉप पे जाना है, ठीक है, और हम क्या करते हैं शॉपकीपर से, ये अगर हमें कोई सामान खरीदना है, सपोज दैट हमें कोई शुगर या चीनी खरीदनी है, हम क्या कहते हैं, अगर हमें सपोज दैट वहाँ पे 7 kg चीनी खरीदनी है, तो हम क्या कहते हैं उसे कि आपके पास चीनी आप कितने रुपये केजी दे रहे हैं, तो वो हमें किसका प्राइस बताता है, 1 kg का प्राइस बताता है। अब जिस कस्टमर को जिस अकॉर्डिंग सामान खरीदना होगा वो उस वैल्यू से क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाइए, आपके पास क्या होता है जो स्पीड होता है वो हमें ये बताता है कि आप 1 hour में या फिर 1 second में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकते हो। अब आप जितना भी टाइम आपने कि वहाँ पे ट्रेवल किया है, आप उसके रिस्पेक्ट में क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा अगर आपकी स्पीड है 20 meter per second, तो इसका मतलब आपकी जो गाड़ी है, जो आपके पास कार है, वो 1 second में 20 meter चल सकती है। हो सकता है अब आप 1 second में 20 meter आपकी वो हो गई क्या, एक स्पीड हो गई। अब उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं पूछूँ 1 hour में आपने सपोजर 1 hour ट्रेवल करा या 2 hour ट्रेवल करा, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या निकाल सकते हो कि पूरी डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं। यहाँ पे बातें सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट इसमें ये ध्यान रखना है ये अपने आप में कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में टाइम लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हम इसको स्पीड को शो करते हैं, इसको हम वी से शो करते हैं, और वेलोसिटी को शो करते हैं, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं यहाँ पे एरो। एरो ये शो करता है आपके पास कि अपने आप में कैसी क्वांटिटी हो गई, वैक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा सेम यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस को शो करते हैं, यहाँ पे एस का यूज करते हैं, और अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो उसके ऊपर एरो लगा देंगे। अच्छा एस का मतलब आप स्पीड से मत लीजिए, एस का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपको कंपेयर करना हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को या स्पीड और वेलोसिटी को, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है। हमेशा याद रखिए मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट आपके पास या तो डिस्टेंस के बराबर वैल्यू देगा या तो उससे हमेशा स्मॉलर वैल्यू हम आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही स्पीड वेलोसिटी की वैल्यू या तो स्पीड के बराबर होती है या तो हमेशा उससे क्या होती है, लेसर वैल्यू का होता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। एक और बात याद रखना, आपके पास जो वेलोसिटी है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, या तो उनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एसिलेशन। देखिए एसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले हम इसको डिनोट किससे करते हैं, यहाँ पे ए से। ए के ऊपर मैंने एरो लगाया तो उससे मुझे ये पता चल गया आपके पास ये कैसी क्वांटिटी होगी, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एसिलेशन होता क्या है, हमने गाड़ियों में एसिलेटर देखा है, ब्रेक देखा है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपके पास किसी भी सिस्टम में आप उसकी स्पीड को क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो, और किस रेट से, मतलब आपके पास टाइम कितना लेके, कितना आप टाइम ले रहे हो उसकी स्पीड को चेंज करने में। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में जो उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है उसको कंपेयर करें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या हो जाएगा आपका, v2 - v1/t2 - t1। यानी आपकी स्पीड पहले v1 थी, अब आपकी सॉरी आपकी वेलोसिटी पहले v1 थी, अब आपकी वेलोसिटी v2 हो गई, और v1 से v2 होने में आपने कितना टाइम लिया, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एसिलरेशन। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए ये होता है मीटर पर सेकेंड, ये होगा आपका सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं, मोशन को अगर मुझे यहाँ पे अच्छे से समझना है, हम इसमें देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे आप गाड़ी या फिर यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड ना कह के हम इसको स्पीड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ना कह के इसको ज़्यादातर हम स्पीड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपका स्पीडोमीटर होता है, जब आप स्कूटी चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो आपने देखा होगा आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें जो निडल है वो आपके पास
इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू को शो करता है। जैसे आपने 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, 60 या 20 किलोमीटर पर आर हो गया, या 60 किलोमीटर पर आर हो गया, वो आपको क्या दिखाता है, जिस टाइम पे आप गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम पे आपकी स्पीड कितनी है, उसी को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके स्पीडोमीटर होता है वो आपके पास एवरेज वैल्यू शो करता है या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो करता है, तो आपके पास हमेशा कौन सी वैल्यू शो करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो करता है। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा वर्जन आता है एवरेज। जैसे आपको कोई डिस्टेंस कवर करनी है ए से बी, ठीक है, मैं आपको उसको समझा देती हूँ यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर करनी है ए टू बी, अब आप क्या करते हो, यहाँ बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं सी डी ई, तो आपके पास क्या होगा, ए से सी जब आप जाओगे हो सकता है आपकी स्पीड 20 रही हो, सी से डी आपने स्पीड थोड़ा बढ़ा दी 60 कर दी, डी टू ई 80 हो गई, और यहाँ से आपने 100 कर दी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप ए से बी आने में आप किस स्पीड से चले हो, तो आप क्या कहोगे, 20 कहोगे, 60 कहोगे, 80 कहोगे, 100 कहोगे, या कुछ भी नहीं। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, इन सब का क्या निकाल देते हैं, हम एवरेज निकाल देते हैं। अब देखिए एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए हमने जितनी भी टोटल डिस्टेंस कवर की है उस टोटल डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना भी टाइम हमने लिया है हम उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ ए से बी जाने में जो हमने टाइम लिया है, हर एक टाइम की वैल्यू सेम नहीं होगी। देखिए अगर आप ए से सी जाते हैं आप 20 की स्पीड से चल रहे हैं, यानी आपकी स्पीड क्या, वहाँ पे आप टाइम क्या लोगे, ज़्यादा लोगे, लेकिन जब आप ई से बी जा रहे हैं आपकी स्पीड क्या 100 है, यानी वहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ अलग हो जाएगी। तो जो आपके पास एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी सी बातें समझ में आ गई होगी, जितने भी मैंने आपको मोशन के बारे में यहाँ पे चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे बेसिक जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे वो किसके बारे में आता है, ग्राफ से रिलेटेड आता है। अब इसमें आता है आपके पास जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, ग्राफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स टाइप का यहाँ पे कुछ बता देती हूँ। देखिए ये आपका किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे काम आएगा। जैसे आपके पास कोई फार्मूला होता है, अगर मैं इस फार्मूले की बात करूँ, जैसे आपका एरिया होता है, एरिया इक्वल्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इन दो क्वांटिटी को मिला करके मेरी ये थर्ड क्वांटिटी बन रही है, फर्स्ट क्वांटिटी सेकेंड क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट करके थर्ड क्वांटिटी बन रही है। अब आप इसी चीज़ को देखिए, अगर मैं इसी चीज़ को किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी के बीच में ही ये ग्राफ यहाँ पे आपके पास सपोज दैट गिवन है, और आपको इस ग्राफ का यूज करके थर्ड क्वांटिटी निकालनी है, तो उसके लिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर दो क्वांटिटी एक्स और वाई में जो क्वांटिटी गिवन है उनका प्रोडक्ट करके आपको कोई थर्ड क्वांटिटी मिलती है, तो हमेशा आप क्या करिएगा, उस ग्राफ का एरिया निकालिएगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आपके पास सीधे सीधे वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। सेम ऐसे ही जब आपके पास कोई ग्राफ गिवन होता है और आप उसमें स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दो क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी का रेशियो गिवन होता है तो आप उसका क्या निकाल दीजिए, स्लोप, तो उससे क्या मिल जाएगी, आपको थर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। देखिए कॉन्सेप्ट केवल काइनेमेटिक्स या मैकेनिक्स में ही काम नहीं आता है, आपका किसी भी टाइप का अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे आपके पास ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपके पास जितने भी ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी सारी सॉल्व हो जाती है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स वी और ए के ग्राफ को आपस में रिलेट करके देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये आपके पास क्या है, एक्स टी और टी का ग्राफ गिवन है। अगर आप इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखें तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपके पास एक्स एक्सिस है या फिर जो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी उसकी जो पोजिशन है वो फिक्स है। अगर इस बात की कंडीशन आप यहाँ पे लेके चले तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास एक पैरेलल लाइन आती है टाइम के रिस्पेक्ट में और हम एक्स और टी का ग्राफ देखते हैं तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड, आपके पास अगर आप एक्स और टी के ग्राफ को देखें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है और कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। ये हमेशा आपका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी टाइम इंटरवल में क्या करता है, सेम टाइप के जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करता है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेम टाइम इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है तो आपके पास क्या हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अब जरूरी नहीं है नॉन यूनिफॉर्म का कर्व इसी तरीके से हो, ये आपके पास इस तरीके से भी आपके पास आ सकता है या आपका कुछ भी रैंडमली हो सकता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है, और आपके पास नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, सेम टाइम इंटरवल में आपके पास जो कंडीशन हो जाएगी वो बदलती जाएगी। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, अगर इसी एक्स
और टी के ग्राफ को देखते हुए मुझे वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए आप याद करिए, हम क्या करते हैं, आपके पास जो एक्स और टी का ग्राफ है, उस एक्स और टी के ग्राफ को देखने से पहले मुझे फॉर्मूला किसका देखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे दो क्वांटिटी का क्या लेना पड़ रहा है, रेशियो लेना पड़ रहा है। यानी अगर मैं इन सारे ग्राफ का स्लोप देख लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। देखिए, अगर आप इस वाले ग्राफ का स्लोप देखेंगे तो इसमें कोई भी स्लोप नहीं है, इसके लिए एंगल कितना बन रहा है, जीरो। तो इसके रिस्पेक्ट में वैसे भी आप वैसे भी समझ सकते हैं कि ये रेस्ट में है, तो इसके रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स और टी का स्लोप आपके पास जीरो हो गया, इसलिए आपके पास वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को देखेंगे तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी हर टाइम उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपके पास यहां पे, या फिर अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां पे मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाए। आप क्या करो, किसी भी एंगल का यूज करो, उससे आप थीटा निकालो, टेन थीटा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, हर टाइम पे आपके पास सेम आएगी। इस ये आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपके पास वेलोसिटी है यूनिफॉर्म मोशन के रिस्पेक्ट में, वो क्या आती है, कांस्टेंट वेलोसिटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास यहाँ पे जो भी टाइम इंटरवल हमने लिया है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट आता है, इसकी वजह से आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी भी आपके पास उस तरीके से चेंज हो जाएगी। अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जो कर्व आपको गिवन होता है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम क्या देखते हैं, स्मॉल एंगल के लिए थीटा की वैल्यू निकाल के अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास कि वेलोसिटी का ग्राफ देख के आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देखिए, दो क्वांटिटी का हमने अगेन क्या लिया है, रेशियो लिया है, और हमें क्या मिल रही है, थर्ड क्वांटिटी। रेशियो में आप हमेशा क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। तो जो भी ग्राफ मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया है वेलोसिटी में, आप उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हैं। पहले जब आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में था उस टाइम पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। सेकंड केस में हमने क्या देखा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब देखिए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें क्या आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसके रिस्पेक्ट में आपका एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ भी क्या बन जाएगा, वहाँ पे आप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कोई भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हर टाइम इंटरवल में सेम रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आपने स्टार्टिंग करी 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और आफ्टर फाइव सेकंड आपकी स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट फाइव सेकंड के बाद आपकी स्पीड जो वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड, अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस हर एक सेकंड के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो आपके पास एक्सीलरेशन होगा वो सेम रेट से होगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अगर आपको यहाँ पे x से v निकालना है तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे निकाल, अगर आपकी इक्वेशन के फॉर्म में होती है तो डिफरेंशिएशन निकाल देते, अदरवाइज हम क्या निकाल देते, उसका स्लोप। अभी मैंने बताया ना, इसका ये, अगर आप x और t का रेशियो लेते तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी और टाइम का रेशियो लेते तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो अगर एक्स से आपको वी जाना है तो आप क्या निकालिए, उसका स्लोप। वी से ए निकालना है तो आप क्या करिएगा, उसका स्लोप निकालिएगा। फिर अगेन अगर आपको रिटर्न होना है, एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी पे आना है तो आप क्या करिएगा, उसका एरिया निकालिए। वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, अगेन आप एरिया निकालिए। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब बात रही यहाँ पे डिफरेंशिएशन की, तो मैं इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, एक्स इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस फाइव, और आपसे कहा गया इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन के टर्म में गिवन है तो आप इसका स्लोप निकालिए। स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप टेन थीटा निकाल सकते हैं, या फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। टेन थीटा किसके केस में निकालना है, या तो आपको एंगल गिवन होगा या तो ग्राफ गिवन होगा, ठीक है। और अगर आपको इक्वेशन गिवन होती है तो आपको श्योरली आपको कहाँ क्या करना होता है, उसमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दूँ, ये आ जाएगा टू टी प्लस टू, और फाइव का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। और टाइम आपको गिवन होता है कि आप टू सेकंड के लिए वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, थ्री सेकंड के लिए वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो dx अपॉन में dt क्या होता है, v। t की वैल्यू आप, या जो गिवन होगी वो आप यहाँ पे रख लीजिए। सपोज है t की वैल्यू टू है,
आपके पास क्या आ जाएगा, 2^4 + 2 यानी 6 m/s आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। इसी तरीके से आपका इंटीग्रेशन, अगर आपको वेलोसिटी से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी होगी। तो मैंने क्या किया है, ये वाली ट्रिक आपकी हमेशा काम आएगी। एक्स से वी जाना है तो या तो स्लोप निकालिए या तो डिफ्रेंशिएशन, वी से आपके पास ए जाना है तो स्लोप डिफ्रेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस अगर आपको करनी हो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तो एरिया, वेलोसिटी से अगर आपका डिस्प्लेसमेंट करना होगा तो अगेन एरिया, और रिवर्स में जाएंगे तो आप क्या कर लेना है, इनका डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आप बार बार लिख के अब याद करने की जरूरत है, बस आप ये ध्यान रखिएगा ऊपर के, जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो स्लो, और अगर आप रिवर्स में आते हैं तो आप एरिया निकाल दीजिए, फॉरवर्ड में चलते हैं तो डिफरेंशिएशन, रिवर्स में आज चल रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अब देखिए आपके पास क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल को कैसे डील करना मैं उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है और फाइनल वेलोसिटी गिवन होती है। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से देखते हैं, एक्सेलरेशन को ए से देखते हैं, टाइम को टी से, डिस्प्लेसमेंट को एस से। तो हमने क्या किया है, इन सारे जो आपके जो भी अभी तक हमने देखा है इनका रिलेशन, इनको लेते हुए 3 फॉर्मूले यहाँ पे बनाए हैं। उन 3 फॉर्मूलों का यूज आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे, यानी अगर आपको टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, या आपको टाइम गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, और जब आपको क्वेश्चन में टाइम नहीं गिवन होता है तो उसके लिए भी हमने एक अलग से फॉर्मूला बना रखा है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होता है वी इक्वल्स यू प्लस एटी। वी आपके पास, अब देखिए ये फॉर्मूला आपका एक्सेलरेशन से आया है। अब अगर आप देखें वी यू अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो वी माइनस यू अपॉन में टी, ये एक्सेलरेशन बन जाता है। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब, जब आपके पास टाइम गिवन हो, तो ये इक्वेशन आपको यूज करनी है। या आप क्वेश्चन करते हुए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है और मेरे को टाइम गिवन है, तो आप श्योरली इस वाले यहाँ पे क्या फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। और आपको टाइम नहीं गिवन होता है और आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप थर्ड फॉर्मूले के साइड जाओगे, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बात और यहाँ पे बताना चाहती हूँ, बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हम ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और कहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज करेंगे। जब आपके पास एक्सेलरेशन गिवन होता है, आप श्योरली बिना कुछ यहाँ पे सोचे समझे ये तीनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा हो तो आप सिंपल वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 dimension मोशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 2 dimension मोशन के। 2 dimension मोशन क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर देखिए ये आपको ये लाइन दिख रही होगी, अगर हम इसी लाइन के रिस्पेक्ट में अपना मोशन करते हैं, चाहे ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में हो या मैं अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पे करवा देती हूँ, तो वो 1 dimension मोशन बन जाता है। यानी आप केवल एक यहाँ पे लाइन के रिस्पेक्ट में ही अपना क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे केवल या तो लेंथ होगी या तो केवल विड्थ होगी। अब देखिए सपोज दैट आप किसी रोड पे चल रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, रोड में यहाँ पे आपके पास, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये कोई रोड होगी आपके पास। ठीक है, आप इसमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, यहाँ भी मोशन कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ के रिस्पेक्ट में भी अपने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, विड्थ के रिस्पेक्ट में भी अपने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो जब आप किसी प्लेन में, प्लेन मतलब जब आपके पास एक्स और वाई को मिला के जो एरिया बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो आप किसी भी प्लेन में यहाँ पे कहीं भी मोशन कर सकते हो, इसे हम क्या कहते हैं, 2 dimension मोशन। ठीक है, अब देखिए 2 dimension मोशन को समझने के लिए हमें कुछ यहाँ पे वेक्टर का यहाँ पे थोड़ा आइडिया आना चाहिए। सबसे पहले आता है इसमें पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, आपके पास मैंने ये मान लिया, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये कोऑर्डिनेट होते हैं आपके। कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होते हैं, रेफरेंस पॉइंट हमें यहाँ पे शो करवाते हैं। ये आपने कोई ओरिजिन मान लिया, इससे हमने अगर इस डायरेक्शन को मान लिया एक्स, इस डायरेक्शन को मान लिया वाई और इस डायरेक्शन को मान लिया जेड, यानी ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गई। अब क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट है सपोज दैट, ठीक है, वो किस तरीके से मोशन कर रहा है। देखिए आपके पास, अब मैं इसको समझाती हूँ, अगर आपके पास एक्स में आप टू, अगर आपने ये देखा होगा 2, 3, 5 ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप एक्स में 2 m गए, वाई में 3 m गए और जेड में आप 5 m गए, तो आप क्या हो जाओगे, किसी ना किसी नेक्स्ट पोजिशन पर पहुँच जाओगे। अगर आप
ओ से चलना स्टार्ट करते हो तो आप 2 मीटर इधर गए, फिर 3 मीटर आप वाई एक्सिस में गए और 5 मीटर आप जेड एक्सिस में चले गए, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, किसी नेक्स्ट पोजिशन पर। तो आपके पास ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में आपकी पोजिशन क्या हो गई, एक तरीके से चेंज हो गई है, ठीक है। हम अगर मैं यहाँ पे तो 3D हो गया, हमने 3 कोऑर्डिनेट लिए, इसी को अगर मैं केवल यहाँ पे के 2 कोऑर्डिनेट तक लिमिटेड रखूँ तो आपका यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया, आपने एक्स में कितना कवर किया 2 मीटर, वाई में कितना कवर किया 3 मीटर, तो आप यहाँ पे पहुँच गए। तो अब ये आपकी ओल्ड पोजीशन थी, ये आपकी क्या हो गई, न्यू पोजीशन हो गई, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो न्यू पोजीशन ओल्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। आर देखिए, ये जो आर यहाँ पे मैंने लिखा है ये 2 कोऑर्डिनेट से मिलके बना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आपके पास यह क्या हो गया, यहाँ पे देखिए लेंथ भी आ रही है और आपके विड्थ में भी आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से मोशन कर रहे हो। अगर आपके पास 3D में आता है तो आप इसके साथ जेड इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, पोजीशन वेक्टर। देखिए अगर मुझे ये बताना है कि मैं ओ के रिस्पेक्ट में किस डिस्टेंस पे यहाँ पे या फिर कितना मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, ये आपकी ओल्ड पोजीशन हो गई और ये न्यू पोजीशन हो गई, अगर मेरे को ये लेंथ पता करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड पता करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम इसका क्या निकाल देते हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर करके उसका रूट निकाल देते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब ध्यान रखिएगा। अगर आपको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर करके उनका रूट फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या होता है, जितनी भी मैंने यहाँ पे बात बताई, मैंने आपको क्या बोला, आपको लेंथ के रिस्पेक्ट में भी चलना है, विड्थ के रिस्पेक्ट में भी चलना है, यानी आप एक्स में भी चल रहे हो, वाई में भी चल रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से 2 वेक्टर एक साथ आप मिला करके उनका कोई रिजल्टेड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन करने के आपके पास क्या होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से जो आपके पास सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ आपको क्या बताता है कि 2 वेक्टर को हम किस तरीके से यहाँ पे कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर को लेते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए और दूसरा वेक्टर गिवन है पी, और उनके बीच का एंगल कितना दे रखा है यहाँ पे, थीटा दे रखा है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा क्या होता है यहाँ पे, 2 वेक्टर के बीच का एंगल। तो जो आपके पास आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, ए और बी का रिजल्टेंट होता है। अब देखिए आर और किसी भी हमने जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिया उनके बीच का एंगल है अल्फा। अल्फा रिजल्टेंट का एंगल नहीं होता है, अल्फा क्या होता है आपके पास जो थीटा होता है वो आपका रिजल्टेंट का एंगल नहीं होता है, थीटा आपके पास क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। और अगर मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया डायरेक्शन का सीधे सीधे रिलेशन किससे होता है आपके पास, यहाँ पे एंगल से होता है। तो हम tan अल्फा इक्वल्स बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आपका डेरिवेशन से निकल के आता है, बहुत सिंपल है। देखिए साइन अपॉन कॉस, थोड़ा ट्रिक भी बता देती हूँ आपको साथ में, साइन अपॉन कॉस याद रखना। अब देखो जो आपके पास जहाँ पे अल्फा एंगल लेता है उसके अपोजिट जो आपके पास वैक्टर बना उसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, बस जो वैक्टर बन गया उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमने 2 वैक्टर को मिला के रिजल्टेंट वेक्टर मिलाया, ऐसे ही क्या होता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें वेक्टर को कभी कभी क्या होता है, तोड़ना पड़ता है, ताकि क्या हो पाए आपके पास, क्योंकि देखिए आपके पास क्या हो रहा है, एक्स में भी मोशन हो रहा है, वाई में भी मोशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास, आप इसको ऐसे ही समझिए जैसे आप कभी भी x को y में ऐड ही नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आपके पास क्या होता है, जब हम 2D डायमेंशन मोशन करते हैं तो हम x का यहाँ पे y के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते, यानी अगर मुझे x एक्सिस में मोशन देखना है तो मैं केवल उस टाइम पे x में आपके पास क्या एक्सीलरेशन हो रहा है, वहाँ पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, केवल वही ऑब्जर्व करूँगी। और जब मैं वहाँ पे y को हम कैलकुलेट करें तो हम केवल y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना एक्सीलरेशन हो रहा है, वही हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और जब हमें उनका रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम सीधे सीधे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हम अभी हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के लिए बताया, ठीक है। अब आप इसको समझिए, अगर मुझे कोई वेक्टर गिवन होता है और मुझे उसको क्या करना है, वहाँ पे ब्रेक करना है, ब्रेक इस तरीके से करोगे आप कि आपके पास क्या हो जाएगा, उनको तोड़ करके जो भी आपके पास क्वांटिटी बनती है उनको ऐड करके आपका ओरिजिनल वेक्टर ही बनना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि वैल्यू कुछ और आ रही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल आपके पास आप इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट फिजिक्स में हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इसको समझते हैं और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन में आपके पास, यहाँ देखिए अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, एक सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ कि जहाँ पे वेक्टर आपका थीटा एंगल बनाता है वो वाला हमेशा कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे मैंने वेक्टर ए लिया है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, सपोज दैट मैंने क्या किया है यहाँ पे, दूसरा वेक्टर लिया है यहाँ पे, देखिए ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ठीक है। अब थीटा एंगल यहाँ बन रहा है तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेम यहाँ पे आपके पास क्या हो, अगर मैं यहीं पे एक और एग्जांपल लूँ, यहाँ पे आपके पास बन रहा है डी, सॉरी ये डी वेक्टर हो गया, ठीक है, और थीटा एंगल हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका डी साइन थीटा। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। तो आपको क्या देखना है, थीटा एंगल कौन सी एक्सिस के साथ बन रहा है, ठीक है। अब आपके पास वेक्टर जो ए बना वो इन दो कंपोनेंट का सम करके आपके पास वेक्टर बन गया, और टेन थीटा ये जो सिंपल आपके पास क्या हो जाता है, जो आप टेन थीटा का फॉर्मूला याद रख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो जो भी थीटा के सामने जो भी एंगल बनता है आप उसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, और आपके पास क्या हो जाएगा जो रिमेनिंग साइड हो जाती है वो आपके पास क्या हो जाती है बेस की बन जाती है, ठीक है। तो एंगल के लिए ज़्यादा आपने सोचना नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कॉस थीटा कंपोनेंट कौन सा होता है और साइन थीटा कंपोनेंट कौन सा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम निकालते हैं क्या यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास दो तरीके से इसको समझना है, एक तो आपके पास क्या होता है अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, और आपने क्या किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बिना किसी एक्सेलरेशन के आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जैसे कोई बिल्डिंग हो गई, इसको वाई हाइट का मान लिया या एच हाइट का मान लिया, यहाँ से आपने इस डायरेक्शन में यू एक्स डायरेक्शन में आपने किसी पत्थर को फेंक दिया, कोई बॉल फेंक दी, तो आपके पास क्या होगा, हमें लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या, ये जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को थ्रो करा वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अपना पाथ कुछ इस तरीके से कवर करते हुए यहाँ पे ग्राउंड में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा, यही आपके पास टू डायमेंशन मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। देखिए आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थ्रो किया, यहाँ पे क्या हो जाता है, इस पर दो फोर्स काम करते हैं, टू फोर्सेज या टू वेलोसिटीज आ जाती हैं, ठीक है। एक तो हमने गिवन है, एक तो हमने दी है इसको, दूसरा कहाँ से आपके पास इसके पास वेलोसिटी आ जाती है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अब जैसे ये स्पेस में आएगा इस पर कौन काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी की ग्रेविटी आपके पास क्या प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे फोर्स, फोर्स की वजह से क्या होता है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की वजह से क्या चेंज होता है आपका वेलोसिटी। तो देखिए ग्रेविटी हमेशा कौन से डायरेक्शन में काम करती है, आपके वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती है, ठीक है। तो यानी आपके पास जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं वो तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी दे रहे हैं, और जो आपके पास यहाँ पे ग्रेविटी वेलोसिटी दे रही है कौन से डायरेक्शन में दे रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो हमने ऑब्जेक्ट थ्रो करा वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं हॉरिजॉन्टल में जाऊँ या फिर वर्टिकल में, तो वो क्या करता है यहाँ पे, वो ना हॉरिजॉन्टल में मूव करता है ना वर्टिकल में, क्या करता है उनके रिजल्टेंट पे, जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर बनता है उस डायरेक्शन में मोशन करता है। अब देखिए अब आप कहोगे फिर तो ये आपके पास जो यहाँ पे इसका पाथ है वो स्ट्रेट ऐसा बनना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका हर सेकंड चेंज होता रहता है, मतलब आपके पास क्या है, सॉरी जो वेलोसिटी है वो आपके हर सेकंड चेंज हो रही है, कितने के रेट से, 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आता है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। यानी वो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आता था तो तब आपके पास पाथ ये बनता है, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन होने की वजह से उसका पाथ क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये आपके पास टू डायमेंशन मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह कैसे करनी होती है आपको, अब देखिए जब आपके पास ये यहाँ पे मोशन कर रहा है तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको देखो तो स्टार्टिंग में ये यहाँ था, अब एंड पे यहाँ आ गया, यानी इसने कितने डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे एक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो जब आप रेंज को कैलकुलेट करोगे, ये भी है तो एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप जब इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पे जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है उससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो आपकी रेंज है वो कौन सी डायरेक्शन में आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे तो देखना उसका आपके पास वेलोसिटी कितनी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। आप खुद सोच के देखिए, जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया तो क्या आपने इसको कोई एक्सेलरेशन दिया, उस केस में तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, जीरो। और मैंने आपको अभी बताया था जब आपके पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं होता है तो सिंपल एक ही फॉर्मूला लगता है, वो क्या लगता है, स्पीड इंटू टाइम, या आपके वेलोसिटी इंटू टाइम,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी ux, और टाइम तो आपके पास दोनों जो आपके पास कंपोनेंट होंगे उनमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन वही वैल्यू अगर आप y के लिए कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। किसका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है? जी की वजह से एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो जो आपका फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। टाइम आपको गिवन है, टाइम आपका क्या होगा, चाहे आप हॉरिजॉन्टली मूव करो वर्टिकली मूव करो सेम रहने वाला। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, s इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए स्टार्टिंग में इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, ये तो आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू लिखो या h लिखो या y लिखो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जब आप वर्टिकल कंपोनेंट सॉल्व करें तो केवल वर्टिकल पे ध्यान देना, और जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व करें तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही आपने ध्यान देना है। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई है पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने उसको मोशन किया है तो कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स इक्वल्स यू एक्स इंटू टी बन गया। यही केस आपके पास सेकंड, इसका सेकंड केस बन जाता है जब हमने ऑब्जेक्ट को हाइट से ना फेंक करके किसी एंगल पे ग्राउंड से फेंका, तो ये क्या बनाता है, एक पैराबोला बनाता है यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट पैराबोला बनता है। ये भी याद रखिएगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है उसका। ठीक है, अब देखिए जब आपने इसको यू वेलोसिटी दी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हमने इसको ब्रेक करा। जैसे मैंने आपको वेक्टर रिजोल्यूशन बताया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये यू कॉस थीटा होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा होगा। अब आप क्या करिए, इसको अलग अलग सोचिए। यू कॉस थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर कोई फोर्स नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। आपका जो वेलोसिटी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे थी वही आपका मैक्सिमम हाइट पे होगी, वही आपका यहाँ पे जब ग्राउंड पे पहुँचेगा यू कॉस थीटा की वैल्यू वही रहने वाली है। लेकिन यू साइन थीटा, जैसे जैसे आप यहाँ पे हाइट पे चढ़ते जाते हो यू साइन थीटा की वैल्यू कम होगी, मैक्सिमम पे जाके ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगेन जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो धीरे धीरे करके वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाती है। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल पॉइंट से और एंड पॉइंट तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल यहाँ पे हम रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या निकाल सकते हैं, हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले डिराइव करके रखे हैं, आपको क्या करना है, इनको सीधे यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको डेरिवेशन तो यहाँ पे पूछी नहीं जाएगी, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको हाइट निकालनी है, और यहाँ पे आप देखिए अगर हाइट निकालो तो आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को निकाल रहे हो फिर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को निकाल रहे हो, पहले ये सोचिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वर्टिकल। वर्टिकली अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में आपके पास एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, बिल्कुल करता है। आपके पास किसका एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी का। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालनी, और मेरे को टाइम तो पता नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे आपके पास यू की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा, यहाँ पे आप ए के बदले जी रख देना और यहाँ पे एस के बदले क्या आ जाएगा, एच। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद ना करके सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। इसको अगर आप वैल्यू में पुट करेंगे तो ये आपका आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू जी। सेम आपके पास आता है टाइम इंटरवल, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। इस पॉइंट से स्टार्टिंग से दूसरे आपके पास जब ये ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो इसको हम यहाँ तक जो टाइम लेता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कैसे निकलेगा, कुछ सोच के देखिए। अगर आप वर्टिकली सोचते हैं तो वर्टिकली मैं अगर यहाँ से यहाँ तक इसने कुल कितना डिस्प्लेसमेंट किया, जीरो, और आपके पास टाइम निकाला तो आप डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो मिल गया। आप सेकेंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, वहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। अब नेक्स्ट बात आती है आपके पास किसकी, रेंज की। तो अगर आप रेंज को ध्यान से देखें तो हमें कौन सी डायरेक्शन का मोशन निकाल, डिस्प्लेसमेंट निकाला है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या उसमें कोई एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कोई एक्सीलरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका मतलब आपके सिंपल फॉर्मूला लगेगा कौन सा, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा, उसको हम किससे इंटू कर देंगे, टाइम से इंटू कर देंगे। वहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, रेंज का फॉर्मूला बन जाता है। इतनी बातें आपको सबको समझ में आ गई। तो आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, अगर आपके पास हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। टाइम पीरियड मैक्सिमम, अगर आपको, आप ये चाहते हो कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कहाँ पे रहे, यहाँ स्पेस में रहे, तो आप थीटा के उसको कितने पे फेंकना पड़ेगा, 90 डिग्री, यानी वर्टिकल आपको उसको
फेंकना पड़ेगा। अगर आपको रेंज निकालनी हो, रेंज को मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है आपके, 45 हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपके पास रेंज की वैल्यू मैक्सिमम करनी हो तो थीटा की वैल्यू क्या रखनी होगी आपको, 45 रखनी होगी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन होता है, अगर आपको रेंज मैक्सिमम रखनी है तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या कहा कितनी रखोगे आप, 45 रखोगे। रेंज की वैल्यू कितनी रखोगे, 45। तो एक कंक्लूजन आपको ये ध्यान रखना है, अगर थीटा की वैल्यू 45 हो जाए उस केस में आपके पास हाइट और रेंज के बीच का एक रिलेशन आता है, और वो क्या आता है आपके पास, आर मैक्स इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ हाइट, या फिर आपके पास यही रिलेशन दे देता है टेन थीटा आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एच अपॉन में आर, ये 4 के बराबर आ जाता है। तो ये छोटा सा आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन याद रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो भी थीटा की वैल्यू है एच और आर में पुट करके रख देना, उनमें रिलेशन फाइंड आउट कर देना, ठीक है, वहाँ से भी आपके पास ये रिलेशन निकल के आ जाता है। इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई, तो यहाँ पे आपका 1 डायमेंशन मोशन 2 डायमेंशन मोशन कंप्लीट होता है। अब हम इसमें देखते हैं, आपके पास मोशन तो हमने समझ लिया, इसमें एक और आपके पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है, वो आता है आपका सर्कुलर मोशन का, ठीक है। सर्कुलर मोशन आपके पास अपने आप में क्या होता है, एक अलग सा मतलब आपके पास क्या होता है, जो हम स्ट्रेट लाइन में या वन डायमेंशन मोशन पढ़ते हैं उसी का एक सब पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो आपके पास यहाँ पे जो जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपके रिलेटेड हो जाती हैं फिर किससे, रोटेशन से। तो मैं इस वाले टॉपिक को जब मैं रोटेशन वाला टॉपिक करवाऊँगी आपको उसके साथ लिंक करके समझा दूँगी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये छोटा टॉपिक भी और ये बहुत ज़्यादा आपके पास कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक है। तो लॉज ऑफ मोशन में आपके पास क्या पढ़ते हैं, अभी तक हमने मोशन पढ़ा, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, फोर्स नेसेसरी होता है, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन होता है। तो जितने भी ये आपके पास मोशन होते हैं ये किस तरीके से आपके पास काम करते हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास जो एस्पेक्ट होता है वो होता है फोर्स, या फिर आपके पास जितने भी मोशन हो रहे हैं उनको कौन गवर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए आपके न्यूटन थे, जो उन्होंने क्या किया था, आपके पास कुछ लॉज दिए थे, उन्हीं को हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए, जब जो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ, यहाँ पे जितने भी लॉज होते हैं उनको डेराइव कर, उनका कोई डेरिवेशन नहीं होता, उनको हम बस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जितने भी आपके पास थ्योरी होती हैं, जितने भी आपके पास हम यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रूफ होता है। तो लॉज को आप क्या करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अपने आपके जो जिस भी स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रही है उसका अपोज करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपका यही कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से आपका चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, यानी इन द अब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो आपके पास क्या होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल स्टेट में रहने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी के बेसिस पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसे आपके पास जब हम बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आपके पास अगर सडनली ब्रेक लग जाए तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, या फिर अगर आप किसी पेड़ को हिलाते हैं तो उसकी जो लीव्स होती हैं, उसके फ्रूट्स होते हैं, वो आपके पास क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। या आपने इसमें देखा होगा कि अगर आपने कोई ग्लास लिया, उसमें कोई कार्डबोर्ड रख के उसके ऊपर कॉइन रख दिया, अगर कार्डबोर्ड को बहुत जल्दी से अगर आप रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉइन होता है वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, आपके लॉ ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल हैं, ठीक है। सेकंड आता है इसमें लॉ ऑफ मोशन। देखिए, सेकंड लॉ को समझने से पहले आपको मोमेंटम समझना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मतलब होता है आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मोशन में रहने की टेंडेंसी, यानी वो चाहता है कि मैं बार बार क्या करूँ, मोशन करूँ, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मोमेंटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तो मोशन का रिलेशन किससे होता है आपके पास, वेलोसिटी के साथ ही तो होता है। दूसरा, जो मोशन में रहने की टेंडेंसी है डिपेंड करती है आपके किसके ऊपर, मास के ऊपर, यानी जो आपका टोटल मोमेंटम है वो आपका क्या, दो क्वांटिटी से मिलकर बना होता है, एक तो आपका मास से, दूसरा आपकी वेलोसिटी से। मास इंटू वेलोसिटी ही मिला के आपका क्या बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो मोमेंटम है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आप खुद देखिए, ये हो जाएगी kg मीटर
पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरा आपके पास यहाँ पे ये एक वैक्टर क्वांटिटी होती है, वैक्टर किसकी वजह से हुआ, वेलोसिटी की वजह से। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपका मोशन एग्जिस्ट करता है उसका अपना क्या होता है, एक मोमेंटम होता है, और मोमेंटम आपका वेलोसिटी के साथ साथ दूसरा किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आपके मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं यही चीज़ को समझते हुए यहाँ पे इसको अगर आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम को चेंज करें, ठीक है, यानी हम क्या करें टाइम के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें डी पी अपॉन में डी टी, तो ये वाली क्वांटिटी का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मास तो आपका कांस्टेंट है, केवल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा, और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप ठीक से देख रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस है, अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो आपको लगेगा भाई फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन पे नहीं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देखें तो जब आपने मोमेंटम में चेंज किया तब जाके आपका क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, ना कि जो फोर्स है वो आपका एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। फिर से मैं समझाना चाहती हूँ इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा। एक्सीलरेशन से आपका एक्सीलरेशन किससे प्रोड्यूस होता है, फोर्स से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज करते हैं तभी जाके वो क्या करेगा वहां पे फोर्स, इसका मतलब आपका मोमेंटम में चेंज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, फोर्स वहां पे 110% लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है, ये क्या कहता है, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिएक्शन होती है। यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो क्या करेगा, उतना ही अमाउंट का फोर्स हम पे भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसी को हम क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो फर्स्ट आपके पास लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया और थर्ड लॉ है वो दोनों इस फॉर्मूले से या जो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता दिए। साथ में इसमें आता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो आपका मोमेंटम रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसके कहने का मतलब ये हो गया, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ए, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट की साइड ट्रेवल कर रहा है, बी की भी अपनी एक वेलोसिटी हो गई। अब अगर आप इस पूरे सिस्टम का देखोगे यहाँ पे मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा सपोज दैट इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो इस पूरे का मोमेंटम कितना हो जाएगा m1u1, और इसका मोमेंटम टोटल मिला के कितना हो जाएगा m2u2। अब क्या होता है, सडनली एक दूसरे से कोलाइड करते हैं यानी टकरा जाते हैं, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी में चेंज आएगा। लेकिन देखिए वेलोसिटी में इस तरीके से चेंज आएगा कि जो टकराने के बाद का मोमेंटम है उसका सम करके भी प्रीवियस वैल्यू के बराबर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, नहीं टकराने के बाद हो सकता है इसकी वेलोसिटी वी वन हो गई हो और इसकी वेलोसिटी वी टू हो गई हो, तो टकराने के बाद और टकराने से पहले की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। हो सकता है कि वेलोसिटी बढ़ जाए दूसरे की कम हो जाए, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट करके जो सम प्रोडक्ट का जो सम निकलता है वो आपका कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और इसी बेस पर आपके बहुत सारे क्या बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे रिकॉइल स्पीड, या आपने गन देखी होगी, जब आपके पास क्या होता है, जब हम उसे ट्रिगर करते हैं तो आपके पास क्या होता है, पीछे की साइड धक्का लगता है। क्यों, क्योंकि आपके पास जितना मोमेंटम वहाँ पे ट्रिगर करने से पहले था उतना ही आपके पास ट्रिगर करने के बाद भी वहाँ पे रहता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाता है, जो आपके पास गन होती है वो पीछे के डायरेक्शन में क्या करती है, वहाँ पे फोर्स लगाती है, वहाँ पे आपके पास कंजर्वेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लगता है और मोमेंटम को भी हमें क्या रखना होता है, कंजर्व रखना होता है। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके आपके पास क्या बनते हैं, जैसे रॉकेट वगैरह हैं उसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, जो लॉज ऑफ मोशन है उसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है आपका फ्रिक्शन का, ठीक है। देखिए हम मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन में आपके पास क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी मोशन की स्टडी करी है वहाँ पे हमने सरफेस की सरफेस के ऊपर मोशन हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके पास जिस सर्फेस पर आप मोशन कर रहे हो उसका भी यहाँ पे रोल प्ले होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी सर्फेस पर अगर आप मोशन कर रहे हैं वो सरफेस अगर मोशन का अपोज करती है उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं,
फ्रिक्शन कहते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रेस्ट से मोशन तक लाने में आपकी क्या करती है, जो सरफेस है वो आपका क्या करती है, कंप्लीटली अपोज करती है। उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, किसी सर्फेस के ऊपर चल रहा हो, उस टाइम पर भी उसके मोशन का अपोज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन। इसको थोड़ा हम डीप में समझें तो आपके पास क्या होता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं अगर समझाऊं तो जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया और इसका वेट था कितना, 5 kg। अब मैं ये मान के चलती हूँ जब तक आप इसको 100 newton का फोर्स नहीं देंगे तब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा, ठीक है। यानी ये अपने आपके के मोशन के लिए कितने फोर्स का की रिक्वायरमेंट कर रहा है यहाँ पे, 100 newton। अब सपोज दैट आपने यहाँ पे 50 newton का फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव तो करेगा नहीं, इसका मतलब अपोज कौन कर रहा है, ये सरफेस करी। अच्छा सरफेस अपोज क्यों करती है ये भी समझिए, आपके पास जो सरफेसेस होती हैं उनमें क्या होते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, वो मॉलिक्यूलर स्पेसेस एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनमें इंटरलिंकिंग हो जाती है दो सर्फेसेज के बीच में, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है आपके, एक तरीके से इंटरलिंकिंग हो जाती है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या होता है यहाँ पे, फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने इसको 50 newton दिया तो ये मूव नहीं करेगा। अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो आपका आंसर क्या होगा भाई, आप देखिए यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसको समझते हैं। जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Fs = μs × r, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, जो सरफेस आपके पास क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, यानी जो सरफेस हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाती है उसको हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कौन लगाता है, सरफेस लगाती है। तो अगर मैंने यहाँ पे 50 newton का फोर्स लगाया और इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, 100 newton की, इसका मतलब ये मेरा अपोज कर रहा होगा, तो उस टाइम पे जो ये आपके पास सरफेस है वो कितने का फ्रिक्शन यहाँ पे दे रही होगी। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो 100 newton का यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि वो आपके पास 50 newton का फोर्स क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। सपोज दैट आपने 30 newton का यहाँ लगाया तो वो भी क्या करेगी, 30 newton का फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास एक सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप में क्या होता है, सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स होता है, वो आपके पास अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू क्या करता रहता है, बदलता रहता है। यानी जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी वैल्यू चेंज करते रहना है, ठीक है। अब क्या होता है, इसकी भी अपनी एक लिमिट होती है, यानी जब तक आप इसको 100 newton नहीं दोगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। जैसे आप 100 newton अप्लाई करते हो या उससे ज़्यादा अप्लाई करते हो, सरफेस क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम उसे कहते हैं लिमिटिंग फोर्स, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके पास, जिसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फोर्स। और उसके बाद आपके पास क्या होता है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है वो कम हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है किसके कंपैरिजन में, डायनेमिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में इंटरलिंकिंग होती है, वहाँ पे आपको बॉन्ड को भी तोड़ना होता है, और वहाँ पे जो डायनेमिक फ्रिक्शन होती है उसमें ऑब्जेक्ट जो दो सर्फेसेज होती है उनके बीच में कोई भी इंटरलिंकिंग नहीं होती, बस सर्फेस एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हुए चलते हैं बस, ठीक है। तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन में लिंक को भी तोड़ना है और मोशन भी करवाना है, डायनेमिक फ्रिक्शन में केवल मोशन करवाना है। इसकी वजह से क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। अच्छा इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी जो आपका μs है वो बताता है कि सरफेस आपके पास कितना फ्रिक्शन को सपोर्ट कर रहा है या फिर कितना अपोज कर रहा है, ये आपके पास क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट होता है। ऐसे ही आपके पास Fk, ये काइनेमिक, क्योंकि आपका डायनेमिक है, चेंजिंग आपके जब मोशन में है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम वैल्यू का ये आपके पास होता है। तो यहाँ पे आती है जो कांस्टेंट आता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू के से। हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको इसका रीज़न क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है और जो अप्लाइड फोर्स होता है, ठीक है, उसके बीच एक ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। जैसे जैसे आप यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट पे जाके जो आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है वो फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम एफ मैक्स से भी डिनोट करते हैं। अब जैसे आप और अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो तो मोशन में आ गया, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कांस्टेंट वो फ्रिक्शन आपका सरफेस प्रोवाइड करवाएगा।
ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अभी कोई भी डाउट अगर आपका इन टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे आपके पास कोई ट्रॉली होती है, हम उसको धक्का देते हैं, उसको पुश करते हैं, या फिर अगर कोई आपके पास कोई बैग है, हम उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं, जैसे डोर में होता है। ठीक है, तो आपके पास कहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, यानी फोर्स आपको कहाँ पर ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो हमेशा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, वहाँ पर आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पुश फोर्स में आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। इसी फ्रिक्शन को मैनेज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज आपका किसके लिए होता है, इंक्लाइंड सरफेस के लिए होता है। जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट के कोई आपकी सरफेस इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, अगर मैं इसको धीरे धीरे करके उठाते जाऊँ तो जो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट अगर मैं कोई रख दूँ तो वो क्या करता रहेगा, एक हद तक वो एक लिमिट तक वो क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पर क्या हो जाता है, वो स्लाइड करने लग जाता है। तो उसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज आपके पास क्या होता है, जिस एंगल पे आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर क्या करने लग जाता है, स्लाइड करने लग जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। और आपके पास जो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर आती है, म्यू एस के बराबर आती है। ठीक है, इतनी बातें आपको सबको समझ में आ गई। तो मैंने आपको जितने भी आपके लॉज ऑफ मोशन है या आपके पास 5 यूनिट तक आपका कवर करवा दिया। इसके बाद हम वर्क पावर एनर्जी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करिएगा। जितने भी इससे रिलेटेड आपके डाउट आते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।